तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक फॉर। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कॉल और मैसेज आने पर जो फ्लैश लाइट जलता है मोबाइल का, वो सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं अपने फ़ोन में। जब भी किसी का कॉल आएगा, आपके फ़ोन के पीछे का फ्लैश लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी रिंगटोन के साथ। जैसे रिंगटोन बजेगा वैसे ही ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। तो कैसे सेटिंग कर सकते हैं ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मैं जो सेटिंग करने वाला हूँ, ये सैमसंग का फ़ोन है, इसमें मैं करके दिखाऊंगा। अगर आपके पास कोई दूसरा फ़ोन में है तो उसमें दूसरे तरीके से होता होगा, तो वो आप देख लेना। तो मैं जाने वाला हूँ सेटिंग में। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है सैमसंग फ़ोन में, और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आपको एक सेटिंग ढूंढ लेनी है। यहाँ पे ये देख लीजिए, एक्सेसिबिलिटी, ये सेटिंग आपको ढूंढ लेनी है। इसमें आपको चले जाना है। इसमें आने के बाद आपको यहाँ पे ये देख लीजिए, ये ऑप्शन दिख रहा है हियरिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देख लीजिए, फर्स्ट नंबर पे ही आपको फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपका ये फ्लैश लाइट ऑन हो चुका है। जब भी कोई कॉल या मैसेज आएगा, आपका पीछे का फ्लैश लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। तो इससे आपका फ़ोन अगर साइलेंट भी रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि या तो मैसेज आया है या कॉल आया है। तो इस सेटिंग से यही फ़ायदा है आपको। तो यही बताने वाला था आज की वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। तो आज के लिए बस इतना ही।